वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड। तो स्वागत है आप लोगों का प्रीपोजिशंस के अगले क्लास में। पिछले क्लास तक हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एट, इन और ऑन के प्रयोग को समझा था कि एट और इन और ऑन का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के संदर्भ में किस प्रकार किया जाता है, और काफी डिटेल पढ़ाया था मैंने। आज की क्लास में हम लोग बिटवीन, अमोंग और अमोंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है और इसका बहुत सारे प्रयोग है, और कुछ बातें तो ऐसी है इसके बारे में जो अक्सर लोग गलती करते हैं इसमें, और इसका जो रेंज है या फिर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका जो रेंज है वो छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चों तक का है। तो कोई भी इस विषय को अगर पढ़ेगा या वीडियो देखेगा तो बड़े आसान तरीके से समझ सकता है। तो आज हम लोग बिटवीन को पहले शुरू करते हैं, उसके बाद फिर अमोंग और अमोंग्स को। और बिटवीन की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े आराम से सुनिएगा और समझिएगा इसको। देखो, बिटवीन का प्रयोग जो इस क्लास में मैं पढ़ाऊंगा वो एग्जाम्पल सेंटेंसेस से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और सारे एग्जाम्पल में एक कॉन्सेप्ट छिपा है। अगर एग्जाम्पल के तहत से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो समझो कि सब कुछ आप समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखो, सीता इज सिटिंग बिटवीन टू गर्ल्स। सीता इज सिटिंग बिटवीन टू गर्ल्स, और ये टू को मैंने घेर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि बिटवीन का रिलेशन कहीं ना कहीं टू से है, और किस प्रकार है। तो बिटवीन का प्रयोग इस तरह से समझ लो कि बिटवीन का प्रयोग हमेशा दो वस्तु या फिर दो व्यक्ति, इन दोनों के बीच में के अर्थ में होता है। ठीक है, बिटवीन का क्या मतलब होता है हिंदी में, क्या मतलब होता है हिंदी में? मतलब होता है के बीच में, के बीच में, लेकिन किसके बीच में? दो व्यक्तियों या दो वस्तु के बीच में। तो इसलिए एग्जाम्पल दिया है सीता इज सिटिंग बिटवीन टू गर्ल्स। ठीक है, और यहां कॉन्सेप्ट लिखा है कि टू थिंग्स और टू पर्सन्स, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि बिटवीन हिम एंड हर, और इसके बगल में लिखा है ऑब्जेक्टिव केस, नॉट नॉमिनेटिव केस। तो पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर। ठीक है, तो बिटवीन हिम एंड बिटवीन हर, इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी भी बिटवीन का प्रयोग करेंगे, खास करके दो व्यक्तियों के बीच में, तो उस समय ध्यान देने वाली बात यह है कि हम उस समय ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। वी विल नॉट यूज नॉमिनेटिव केस ओवर देयर इन एनी केस, राइट। तो बिटवीन हिम एंड हर, हिम क्या है? एक ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। हर क्या है? एक ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। यहां पर आप ही नहीं कर सकते थे, यहां पर आप शी नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो जब कभी भी पर्सन के साथ होगा तो हमेशा प्रोनाउन के साथ होगा प्रयोग, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे बिटवीन के साथ। इस बात को हमेशा ध्यान में रख लीजिए आप लोग। तो बिटवीन का ये दूसरा कॉन्सेप्ट है कि बिटवीन के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है, नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तीसरा, बिटवीन 5 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर। सपोज कि माई स्कूल इज बिटवीन 5 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस। तो यहां पर मैक्सिमम लोग गलती करेंगे, क्या करेंगे? बिटवीन 5 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर लिखने के बजाय वे लोग यहां पर एंड ना लिख करके 2 लिख देंगे। एंड का मैंने सिंबल दिया है, एंड ना लिख करके क्या कर देंगे? 2 का प्रयोग कर देंगे, बिटवीन 5 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिटवीन का प्रयोग, बिटवीन के साथ हमेशा एंड कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं जब हम दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच की बात करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि बिटवीन के साथ हमेशा एंड कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, और यहां लिखा है कंजंक्शन एंड इज यूज आफ्टर बिटवीन, राइट। इस बात को आप नोट कर लीजिए, एकदम ध्यान रखिए, और एक एक करके एग्जाम्पल्स प्लस कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। बिटवीन का बहुत इंटरेस्टिंग है और ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हर रेंज के स्टूडेंट के लिए काम करेगा। उसके बाद जो हमारा चौथा कॉन्सेप्ट है कि बिटवीन ईच बॉय और एवरी गर्ल। तो याद रखना कि बिटवीन ईच बॉय या एवरी गर्ल, मतलब बिटवीन के बाद ईच या एवरी का प्रयोग नहीं होता है। यहां मैंने क्रॉस का मार्क लगा रखा है। ठीक है, बिटवीन के बाद ईच या एवरी का प्रयोग नहीं होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर इसी बात को लिखना भी होगा तो कैसे करेंगे? तो बिटवीन द बॉयज, जैसे कि हमको बोलना हो कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन ईच बॉय, नो दिस इज रॉन्ग टू यूज दिस सेंटेंस। ठीक है, इसको सुधारेंगे कैसे? तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन द बॉयज कर देंगे, ईच हटा देंगे, द लगा देंगे, यहां से ईच हटाएं और यहां द लगाएं। सिमिलरली बिटवीन एवरी गर्ल नहीं हो सकता है, बिटवीन द गर्ल्स हो जाएगा। द लगाओगे तो ध्यान देना यहां पर प्लूरल कर रहे हैं, ईच एंड एवरी सिंगुलर होता है तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, दूसरा तरीका जो है इसी चीज को लिखने का वो है, अगर आपको ईच का प्रयोग करना है तो बिटवीन ईच बॉय और लास्ट में ये जुड़ जाएगा और नेक्स्ट, इसको याद रखिएगा। दूसरा तरीका, इसमें एरर नहीं है फिर, क्योंकि मैक्सिमम लोग फिर इसमें भी एरर ढूंढेंगे, क्योंकि उनको ये स्ट्रक्चर पता नहीं होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको जान लीजिए,
कि अगर इच का प्रयोग होगा तो ये निश्चित तौर पर इस और नेक्स्ट का प्रयोग होगा इसके बाद, ठीक है। और नेक्स्ट विल डेफिनेटली बी यूज्ड इफ वी आर यूजिंग ईच और एवरी विद द वर्ड बिटवीन और इवन विद द प्रीपोजिशन बिटवीन, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन ईच बॉय और नेक्स्ट, राइट। अब देखो नेक्स्ट हमारा, देर इज अ ट्रीटी बिटवीन दीज फोर कंट्रीज ऑफ एशिया, देर इज अ ट्रीटी बिटवीन दीज फोर कंट्रीज ऑफ एशिया। अब देखो यहां पर फोर कंट्रीज का प्रयोग किया गया है, फोर, जबकि हमने ये बताया कि बिटवीन का प्रयोग हमेशा दो के बीच में होता है, ठीक है, दो व्यक्ति या दो वस्तु, लेकिन यहां पर चार है। तो किस लिए है चार है? चार इसलिए है क्योंकि ये चारों आपस में एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, मतलब पारस्परिक संबंध की बात करते हैं। जब भी कोई एग्रीमेंट होता है, जब भी कोई संधि होती है, तो पारस्परिक होती है, हमारी और सामने वाले की पारस्परिक मेलजोल होता है और हमारा पारस्परिक संबंध होता है, तब हमारे के बीच में कोई संधि या ट्रीटी होगी। और उस बीच में हो सकता है चार देश हो, पांच देश हो, चार कंपनियां हो, पांच कंपनियां हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी कभी हम पारस्परिक संबंध की बात करेंगे तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, अमंग का प्रयोग नहीं करेंगे इस केस में, ठीक है। तो देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन दीज फोर कंट्रीज ऑफ एशिया। उसी प्रकार एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन द फाइव आई टी कंपनीज, ठीक है। तो बिटवीन द फाइव आई टी कंपनीज, ठीक है, तो यहां पर भी बिटवीन का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि कंपनी कितनी है? फाइव है। क्यों? क्योंकि आपस में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। यहां पर कंट्रीज चार है लेकिन आपस में एक संधि हुई है, राइट। तो ये पारस्परिक संबंध शो कर रहा है, तो इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल को समझो पहले। द चिल्ड्रन मैनेज टू अरेंज फंड्स बिटवीन देम, द चिल्ड्रन मैनेज टू अरेंज फंड्स बिटवीन देम। अभी देखो जैसे क्राइसिस का समय चल रहा है, सरकार भी ये अनुरोध कर रही है कि आप लोग से जो हो सके आप डोनेट करें। न्यूज में भी, न्यूज चैनल में भी बहुत कुछ ऐसा वीडियो आया जहां बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे अपने कुछ पैसे जो उन्होंने जमा किए थे वो जाकर के पुलिस को दे रहे हैं ताकि सरकारी फंड में जाके जमा हो सके। तो ये जो पैसे जमा कर रहे हैं वे लोग क्या कर रहे हैं? आपस में पैसे जमा कर रहे हैं, आपस में जमा कर रहे हैं इन द सेंस कि एक अपना ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं। एक परिवार से कुछ लोग आए, इकट्ठा हुए और ग्रुप में पैसे इकट्ठा किए। तो जब कभी भी हम ग्रुप एक्टिविटी करेंगे, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जहां ग्रुप इन्वॉल्व होगा, वहां पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर रास्ते पर कोई गाड़ी खड़ा हो गई है और उसको हमको साइड करना है रोड के, तो अगर और सुविधा नहीं मिली है, सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है उसको हटाने का, क्या करेंगे? तो लोग आपस में एकजुट होंगे और अपने प्रयासों से उस गाड़ी को एक साइड करेंगे। तो ये क्या है? एक ग्रुप में किया गया काम है। तो इस तरह के कार्यों के लिए भी हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। इसलिए एग्जाम्पल में जैसे यहां लिखा है कि बिटवीन देम पीपल मैनेज टू लिफ्ट द डैमेज व्हीकल एंड पुट इट असाइड, मतलब सभी लोगों ने वहां पे, लोगों ने आपस में मिलकर के उस डैमेज व्हीकल को लिफ्ट किया और रोड के एक साइड रख दिया। ओके, तो अब इतना समझने के बाद अब हम लोग बिटवीन के प्रयोग को आगे समझते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है उसमें जो एग्जाम्पल लिखा है वो समझते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा है कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन क्रोज, रूक्स एंड जैकडॉल्स, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन क्रोज, रूक्स एंड जैकडॉल्स। तो यहां पे देखो एक बात नोट करने वाली ये है कि दिस वर्ड डिफरेंस, मतलब कि जब भी कभी वर्ड डिफरेंस का यूज होगा निश्चित तौर पर उसके बाद बिटवीन का ही प्रयोग करेंगे, अमाउंट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये अलग बात होगा कि वहां पर दो या दो से अधिक वस्तुओं का या व्यक्तियों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन जब भी कभी वर्ड डिफरेंस होगा तो हमेशा से हम बिटवीन शब्द का ही प्रयोग करेंगे उनके साथ, राइट। तो उसी प्रकार व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रोज, रूक्स एंड जैकडॉल्स, और कॉन्सेप्ट क्या है कि यूज आफ्टर वर्ड डिफरेंस, बिटवीन इज ऑलवेज यूज आफ्टर द वर्ड डिफरेंस, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, स्विट्जरलैंड लाइज बिटवीन फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड इटली। स्विट्जरलैंड लाइज बिटवीन फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड इटली। यहां पर चार देशों के नाम लिखे गए हैं, उनके बीच में स्विट्जरलैंड कहीं, स्विट्जरलैंड कहीं, मतलब ये कहना चाहते हैं कि बिटवीन का एक जो इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि वह सिंगुलर नाउंस है ना, इंडिविजुअल चीजों पर फोकस करता है। अगर चीजें इंडिविजुअली फोकस्ड हो और उनके बीच कुछ किसी चीज की बात की गई हो और ऑर्डर्स में आए वो सारे सिंगुलर नाउन, तो डेफिनेटली वहां पर आप बिटवीन अमाउंट का प्रयोग ना करके बिटवीन का प्रयोग करेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि बिटवीन बिटवीन राम, सीता, मोहन एंड श्याम, श्याम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है।
तो यहां पर इंडिविजुअल चूंकि हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल लोगों की बात कर रहे हैं और उनके बीच के किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो यहां पर बिटवीन का ही यूज इस्तेमाल होगा, यूज करेंगे हम, अमोंग का प्रयोग नहीं करेंगे। अमोंग चीजों को कलेक्टिवली लेता है जबकि बिटवीन चीजों को इंडिविजुअली लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना बेहद जरूरी है, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं। हमेशा अमोंग चीजों को कलेक्टिवली लेगा और बिटवीन हमेशा चीजों को इंडिविजुअली लेगा। इंडिविजुअल नाउंस की चर्चा की गई और उनके बीच की कुछ बात कही गई है, तो वहां पर आप हमेशा बिटवीन का ही प्रयोग करेंगे। इस बात को आप नोट कर लेंगे अपने दिमाग में भी और कॉपी में भी, इससे आपको इंग्लिश में एरर्स कम होने लगेंगे। तो इतना सारा बात हम लोग बिटवीन के बारे में पढ़े कि बिटवीन का प्रयोग कहां कहां करते हैं। अब इतनी चीजों को जानने के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है अमोंग के बारे में, राइट। अमोंग का भी मतलब बिटवीन के ही मतलब के बराबर है हिंदी में, जैसे कि बिटवीन का मतलब के बीच में होता है, उसी प्रकार अमोंग का भी मतलब के बीच में होता है। अमोंग के साथ एक और वर्ड का प्रयोग करते हैं हम, अमोंग्स का, ठीक है, अमोंग या अमोंग्स का, दोनों के मतलब में कोई अंतर नहीं है, दोनों का सेम मतलब है के बीच में। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों का मतलब क्या हो गया, तीनों का मतलब सेम हो गया, बिटवीन, अमोंग और अमोंग्स। अमोंग और अमोंग्स लगभग एक दूसरे के बजाय प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है अमोंग और अमोंग्स में। पहले प्रयोगों को समझते हैं फिर डिफरेंस को समझेंगे। तो देखो अमोंग अमोंग्स कॉन्सेप्ट लिखा है, नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द टू, मतलब इन दोनों के बीच कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसका एग्जाम्पल देखो, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमोंग या फिर अमोंगस्ट द थ्री सिस्टर्स। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमोंग या अमोंगस्ट द थ्री सिस्टर्स, ओके, दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। द फैक्ट्री स्टैंड्स अमोंग या अमोंगस्ट द ट्रीज, फैक्ट्री जो है वो पेड़ों के बीच है, जंगलों के बीच है, राइट। तो यहां पर भी अमोंग या अमोंगस्ट दोनों का प्रयोग कर पा रहे हैं हम, और दोनों ही सही है, कोई गलती नहीं। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, तो देखो स्ट्रक्चर से समझते हैं डिफरेंस को। Among या फिर amongst प्लस द प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, among या amongst प्लस द प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, यही स्ट्रक्चर है among का और amongst का भी। जैसे कि among और amongst the school boys, जैसे कि among या amongst the trees, तो याद रखिएगा among या amongst के बाद प्लूरल नाउन आता है और उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, ये एकदम निश्चित है, ठीक है। अब amongst का कुछ खास प्रयोग है, वो कहां है वो समझो, कि amongst अगर होगा तो उसके बाद, अगर खास करके amongst का प्रयोग करना है तो उसके बाद हम एक vowel sound वाला कोई शब्द होगा तो उसके पहले स्पेशली हम amongst का ही प्रयोग करेंगे, among का प्रयोग को अवॉइड करेंगे, राइट। जैसे कि amongst us, amongst all, amongst our friends, तो ये सारे amongst us, us क्या है, एक vowel sound निकल रहा है, amongst our friends, our friends, our क्या है, ये vowel sound निकल रहा है, amongst all, तो ये all क्या है, एक vowel sound निकल रहा था, amongst के साथ all, amongst all लगा हुआ है, तो यहां पर हम amongst का प्रयोग कर रहे हैं, among का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि vowel sound आ रहा है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अगर us, all, our इस तरह की कुछ चीजें हैं, उनके बीच की कोई बात है, तो वहां पर हम amongst का प्रयोग करेंगे, among का प्रयोग नहीं करेंगे, और यहां पर the absent रहेगा, the का प्रयोग नहीं किया रहेगा, amongst plus word beginning with वॉवल साउंड, यहाँ पे द नहीं रहेगा, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में हम अमोंग के बजाय जहां अमोंग्स का प्रयोग कर रहे थे वहां पर हम द प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे द प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं करके अमोंग्स प्लस वॉवल साउंडिंग वर्ड करेंगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका बिटवीन, अमोंग और अमोंग्स का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। कहीं पे भी कुछ डाउट हुआ तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सीखते रहिए, समझते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।